नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 2 में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं इंदौर से बड़ी खबर के साथ, जहां रियल एस्टेट कारोबारियों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है। बिल्डर के करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड में बड़ा खुलासा हुआ है। सर्चिंग के दौरान लॉकर में करोड़ों रुपए और सोने चांदी के जेवरात भी मिले। इनकम टैक्स अधिकारियों ने जांच पड़ताल इनकम टैक्स की रेड में, अभी तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। विभाग ने कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ ही कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी जब्त किए हैं। और जैसे जैसे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है, कहीं ईओडब्ल्यू के हाथ करोड़ों की संपत्ति मिलती है, कोई कहीं जब आईटी की रेड पड़ती है तो फिर ऐसे खुलासे होते हैं जो सबको हैरान कर देते हैं। बिल्डर्स के करीबियों के यहां ये छापेमारी हो रही है, आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई और सर्चिंग के दौरान लॉकर में करोड़ों रुपए और सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई इंदौर में हमें देखने को मिली, जहां करीबियों पर ये जो कार्रवाई हुई है बिल्डर के करीबियों पर हुई है, इसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों ने जांच पड़ताल की है और साथ ही कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिले हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई से माना जा रहा है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ ही कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी जब्त किए हैं। अंदाजा लगाइए कैसे करोड़ों की ऐसी संपत्ति जिसे अपने पास रखा गया है, करोड़ों रुपए कैश, आखिर कहां से ये सब आता है। अब एक बड़ी इसके पीछे ये कहें कि कार्रवाई चल रही है, आयकर विभाग पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की सख्त कार्रवाई हो रही है। शिवराज सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रही है और इंदौर में इस बार जो ये कार्रवाई हुई है, ताबड़तोड़ छापेमारी एक के बाद एक अलग जगहों पर देखने को मिली, जिसके बाद ये खुलासा होते हुए नजर आया, जहां करोड़ों रुपए कैश लॉकर में। और देखिए ये आलीशान मकान और यहीं पर ये छापेमारी देखने को मिली। हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अभी तक इनकम टैक्स के हाथ लगा है? देखिए, इनकम टैक्स की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में दीपावली के पहले बड़े बिल्डरों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई नजर आ रही है। और इंदौर की बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से लगातार इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। बड़े रियल एस्टेट कारोबारी टीनू संजीवन के करीबी अलका बसानी और उनके पति राजन बसानी के इनकम टैक्स की रेड चल रही थी। 2 दिनों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि घर के अंदर एक गुप्त तिजोरी बना रखी थी, जिसमें करोड़ों रुपए, लगभग जो पैसे की जानकारी सामने आ रही है कि 3 करोड़ से ज्यादा नगद रुपए तिजोरी में रखे गए थे जो इनकम टैक्स के हाथ लगे हैं। वहीं करोड़ों रुपए कीमत के जेवरात भी मिले हैं। तो फिलहाल इस वक्त भी रेड अंदर चल रही है, पूरा मामला कॉन्फिडेंशियल है, अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। और इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई का 3रा दिन है और 3रे दिन की कार्रवाई में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रियल एस्टेट कार्रवाई टीनू संजीव की करीबी क्या करोड़ों रुपए मिले जो एक अंदर गुप्त तिजोरी बनाकर रखी गई थी, वहां पर रखा हुआ था। फिलहाल इनकम टैक्स के अधिकारियों की टीम यहाँ पे मौजूद है। बड़े स्तर पर इस वक्त इंदौर के अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई आने वाले समय में चलती रहेगी, क्योंकि इनकम टैक्स को जिस तरीके से इनपुट मिले थे कि करोड़ों रुपए इनकम टैक्स है जो टैक्स पेयर जो लोग हैं उन्होंने चोरी कर रखा था और वो पैसे मिलने की उन्हें सूचना थी और उसी के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की और करोड़ों रुपए अब तक मिल भी चुके हैं। फिलहाल ये कार्रवाई जारी है, आने वाले समय बड़े खुलासे और होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम शिव